नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube मॉम चैनल में। और आज हम स्पेशल जानकारी जानने वाले हैं कि नाइन्थ मंथ में प्रेगनेंसी का जो नवा महीना होता है, तब क्या चीजें जरूरी हैं, किन चीजों पे आपको खास ध्यान देना है ताकि ये महीना बहुत अच्छा रहे और डिलीवरी का प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो। सबसे पहली जरूरी चीज कि इस महीने जॉइंट्स कुछ लूज होते हैं क्योंकि बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होने लगती है। तो किसी को काफी पहले, किसी को बहुत कम टाइम पहले डिलीवरी के ये सिम्टम आता है, जॉइंट्स बहुत ढीले लगते हैं, तो आपको चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ होती है, आप एकदम से खड़े नहीं हो सकते, आप एकदम से बैठ नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई भी जर्की मूवमेंट ना करें कि आप गिर जाएं, बहुत सलीके से धीरे धीरे बैठें और धीरे धीरे सपोर्ट के साथ आप उठे बैठें। इस महीने एक एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेल्विक फ्लोर की ओपनिंग एक्सरसाइज। बटरफ्लाई पोज आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो वॉक जरूर करें, वॉक आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। जमीन पर बैठना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इस महीने। अगर आप सब्जी काट रहे हैं या अपने लिए फ्रूट्स काट रहे हैं, कुछ भी छोटा सा काम कर रहे हैं, तो जमीन पर बैठकर करने से आपको पेल्विक फ्लोर ओपनिंग में काफी हेल्प मिलेगी। कई महिलाओं को इस महीने ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बॉडी प्रिपेयर हो रही है और ये चिंता का विषय नहीं है। उसको अननेसेसरली आप प्रेस ना करें, स्क्वीज ना करें, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। नवे महीने में कई महिलाओं को बॉडी पे स्वेलिंग देखी जाती है और ये स्वेलिंग हॉर्मोन्स की वजह से है। जो हॉर्मोन बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन हॉर्मोन्स की वजह से बॉडी पे स्वेलिंग होती है, तो ये भी काफ़ी नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन कुछ अनयूजुअल है आपके साथ में, तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। नवे महीने में आयरन कैल्शियम युक्त खाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हरी सब्जियों की जगह रखें। इससे में भूख अच्छी लगती है, जब बेबी ड्रॉप हो जाता है उसके बाद भूख काफ़ी अच्छी लगने लगती है, तो आप अपने खाने पे ध्यान रखें। एकदम भर के एक बार में ढेर सारा खाना ना खाएं, थोड़े थोड़े ब्रेक में खाना खाएं और क्रेविंग्स को तवज्जो ना दें, बल्कि हेल्दी फूड को लें। आयरन के सप्लीमेंट, कैल्शियम के सप्लीमेंट जो आपके डॉक्टर ने दी हैं वो बराबर लेते रहें, क्योंकि खून की कमी होना इस समय बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यूट्रस का साइज कई गुना बढ़ चुका होता है इस महीने तक, बेबी ग्रोथ भी ऑप्टिमम हो चुका होता है, तो ऐसे में पीठ में, कमर में, जॉइंट में, ग्रोइन एरिया में दर्द रहना स्वाभाविक है, तो इसका सामना आपको करना पड़ेगा। तो हल्की फुल्की आप मसाज करवाएं फैमिली में जो भी आपको हेल्प अवेलेबल है उनसे, ताकि आपको आराम मिल सके। पैरों को ऊपर करके सोएं ताकि आपको आराम मिल सके, पैरों के नीचे पिलो लगा के सोएं, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जब आप चलेंगे फिरेंगे, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तब आपको दर्द कम महसूस होगा, बजाय कि आप बैठ रहे। इसलिए जितना बॉडी सपोर्ट करे उतना मूवमेंट जरूर करें। नवे महीने में डिलीवरी की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन ये कोई चिंता है ही नहीं। डिलीवरी के लिए आपको जानकारी लेनी है, समझना है, बजाय कि स्ट्रेस लेने की कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मुझे क्या करना होगा, अगर सीजेरियन हो गई तो। ऐसी चिंताएं बहुत ज़्यादा लोगों को सताती हैं, तो किसी भी तरह का अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपकी डिलीवरी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, काफ़ी चांसेस होते हैं। इसलिए डिलीवरी कैसे होगी इसकी चिंता को छोड़कर, डिलीवरी के समय क्या ध्यान रखना है, डिलीवरी के बाद कैसे केयर करनी है, इन सब विषयों पर आप जानकारी इकट्ठा करें, पढ़ें, समझें और खुद को प्रिपेयर करें। निगेटिव टॉक्स, कई फ्रेंड फैमिली के मेंबर्स अपने प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं डिलीवरी रिगार्डिंग, और आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप परेशान होते हैं, तो नेगेटिव टॉक्स करनी ही नहीं है आपको, जिससे कि आपका मन खराब हो। और छोटी मोटी चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। फैमिली मेंबर्स को कहें कि कोई भी नेगेटिव बातें उस समय घर में ना हो, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो नवा महीना काफ़ी अच्छा गुजरेगा। और ध्यान रखें कि डेट्स आप इस महीने ज़रूर खाएं, 3 से 4 डेट्स आप इस समय ज़रूर स्टार्ट कर दें खाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल।